गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में, जो कि 2021 का एक फ्रेश ब्लॉग होने जा रहा है। लास्ट सीरीज जब आप मेरा देवघर सीरीज का देखे थे, तो हम लोगों ने बताया कि था कि बिहार में बहुत सारे ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो हम लोगों ने एक नया एपिसोड सीरीज स्टार्ट किया है, जिस सीरीज का नाम हम लोग देने जा रहे हैं बिहार टूरिज्म के देने जा रहा है। तो आज इसी सीरीज में सबसे पहले हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, जो कि ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है एक केसरिया स्तूप, जिसे बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। ये स्तूप आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे होगे, तो ये स्तूप जो बनाया गया था, ये लगभग 200 AD से 750 AD के बीच में बनाया गया था। भगवान बुद्ध को के ऑनर में बनाया गया था, जो कि आप लगभग जब भगवान बुद्ध का जब लास्ट डे था, तो वो यहाँ पे आए थे और यहीं पे वो थे। तो उनके ऑनर में जो वो बेगिंग बॉल जो था याद के तौर पे दिया था, तो उनके समर्पण में यहाँ पे जो समय के लोग थे और जो अशोका थे। अब ये एक बात है जो आप पढ़ोगे अलग अलग जगह, तो वहाँ पे दो चीज़ों की बात आती है कि ये जो स्तूपा है वो कुछ लोग कहते हैं कि गुप्ताज पीरियड के समय में बनाया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि अशोका के द्वारा बनाया गया था। तो अभी आपको बता दें कि ये स्तूपा जो आप देख रहे हो, ये विश्व की सबसे ऊंची स्तूप है। तो चलिए अभी हम इसके पास चलते हैं और इसके बारे में और सारी इसके हिस्ट्री को बताते हैं आपको। अभी हम लोग स्तूपा के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ से आपको ये क्लियरली दिख जाएगा कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो है गुप्ता पीरियड के समय में यहाँ से खुदाई हुआ था, इरेडिकेट किया गया था। पर अगर हम लोग यहाँ की बात करें, तो जो ओरिजिनली यहाँ पे जो हुआ, वो 1998 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसकी खुदाई की, और फिर यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है वो यहाँ से निकल कर आया। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 6 पार्ट में बटा हुआ है, डैट मीन्स यहाँ पे 6 स्टेप्स में बटा गया हुआ है। और यहाँ पे अंदर जाएंगे तो वहाँ हम लोग आगे यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे जो बैठते हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे अलाउ नहीं है उसके ऊपर चढ़ना। तो हम आपको वहाँ पे जाकर तो दिखा नहीं सकते, पर अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा गया हुआ है कि ये जो पहले के समय में जब बनाया गया था, तो ये जो बनाया गया था वो मड से बनाया गया था और उसमें मिक्स था लाइमस्टोन। तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर पुराना होते गया है, समय के अनुसार यहाँ के बहुत सारे चीज़ों को दिख रहा है। जैसे कि आप देखोगे तो वाइट वहाँ पे दिख जाएगा, जो कि साफ एक इस चीज़ को बताता है कि हाँ, इसमें उस समय लाइमस्टोन का यूज किया गया था और इससे काफ़ी जुड़ी हिस्ट्री है। तो मैंने आपको बताया था कि ये बनाया गया था भगवान लॉर्ड बुद्धा जो थे उनके ऑनर में बनाया गया था। और कारण ये था कि जब भगवान बुद्ध अपने अंतिम समय में थे, जब वो जान चुके थे कि अब उनका समय लास्ट समय है, तो वो निर्वाण पाने के लिए यहाँ से कुशीनगर को जाना चाहते थे। पर यहाँ के जो आप जानते हो वैशाली जिले, जो ये वैशाली क्षेत्र में है, तो वैशाली क्षेत्र का उस समय बोला जाता है लिच्छवीज। तो उस समय के जो यहाँ के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वो इनको छोड़कर यहाँ से जाए। पर इसी जब वो यहाँ से इस स्तूप के पास आए, तो आखिरकार केसरिया में आकर उन्होंने ये मना लिया हर एक पीपुल को कि अब वो यहाँ से जाएंगे। तो आखिरकार यहाँ से वो कुशीनगर चले गए और यहाँ के लोग खुश रहे, उस कारण वो यहाँ पे एक अपना बेगिंग बॉल जो जिसमें वो भिक्षा मांगते थे वो यहाँ पर छोड़कर चले गए। तो इस चीज़ को वो मानते हुए यहाँ के लोगों ने क्या किया था कि ये बनाया गया था, पर ये बहुत दिनों से लगभग ये यहाँ पे धरती के अंदर था। पर आपको अभी बता दें कि अभी ये ओरिजिनली वर्ल्ड की सबसे ऊँची स्तूपा है। तो चलिए अभी हम इसके पास चलते हैं और आपको और सारे बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाएंगे और सारे चीज़ों को भी बताएंगे। यहाँ के ऑफिशियल से भी पूछेंगे, वो आपको अच्छे से बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। तो लेट्स गो। Thank you.
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉर्नर कॉर्नर तो पांच हम ओपन किया है, चार रूम का हम निकाल के फिर से ढक दिए। ये टेराकोटा की बनी हुई स्टैचू है, लोकल विजिटर इस पे जब गार्ड नहीं रहता तो चढ़ जाते हैं तो उसको खुरच के चेक करते हैं कि किस मटेरियल का बना हुआ है, जिससे इनको नुकसान होता है। तो सुरक्षा के ख्याल से इसको हम फिर से ढक दिया है। ये आठों रूम जब हमारी निकल जाएगी तो सारे स्टैचू के ऊपर से शेड दे करके बाहर से शीशा से लॉक कर देंगे, तब आपको सीढ़ी देंगे चढ़ने के लिए। एक पाथवे पर ये 11 मीटर की पाथवे है, ये 10 मीटर की है, ये 9 मीटर की है, ये 8 मीटर की है, ये 7 मीटर की है, 6 मीटर की है। तो इस पर राउंड लगाने के लिए पाथवे बना हुआ है। एक पे सीढ़ी से जाएंगे राउंड लगाएंगे 24 मूर्ति आपको दिखेगी, फिर सीढ़ी से सेकंड पे जाएंगे राउंड लगाएंगे 24 मूर्ति दिखेगी। ऐसे करके 252 ये सब ये मूर्ति सब है। हाँ ये सब मूर्ति है इसमें राइट साइड में। तो ये 22 मीटर डायमीटर में गोल राउंड जो है ना इसका, इसके मिडिल सेंटर में नेचुरल सॉइल में भगवान बुद्ध का रिलीफ है, जिसपे चढ़ने की कोई व्यवस्था पहले भी नहीं थी। ये 31 का फोटोग्राफ है जिसमें पूरा ये शिवलिंग के आकार का ही है ना, 22 मीटर डायमीटर में 20.5 मीटर इसकी हाइट थी। अच्छा, इसके जड़ तक जाने का व्यवस्था सीढ़ी द्वारा नहीं है, जो 6 तला अभी दिख रहा है आपको, 2 तला जमीन के नीचे दबा हुआ है। अच्छा, ये नीला वाला टूट गया 34 के भूकंप में, पीला वाला आपको दिख रहा है जो 32.5 मीटर है, और 9 मीटर अभी जमीन के नीचे दबा हुआ है। हम मुजफ्फरपुर से अभी 35 फीट ऊंचा पे है। अच्छा, ये 4 किलोमीटर दक्षिण एक नदी है नारायणी, जो 4 किलोमीटर उत्तर हुआ करती थी, इसको क्रॉस करके गई है। तो एक तरफ से मिट्टी काटी है और एक तरफ मिट्टी डाली है, जिसके वजह से इसमें ये बाउंड्री के बाहर जो पेड़ दिख रहा है, अच्छा, गुप्ता पीरियड का हैबिटेशन एरिया है, शहर दबाव है। 3-4 किलोमीटर का रेडियस में जब खुदाई जाएगी नीचे ना, 20 मीटर नीचे जाएंगे हम, बहुत बड़ा महानगर मिलेगा यहाँ। अच्छा, मतलब इसके नीचे वो बाहर में। हाँ बाहर में, जैसे कोलुआ अशोका पिलर देख रहे हैं। जी जी है? हाँ हाँ गए। तो एक आदमी के आंगन में वह शेर का हेड था मात्र। अच्छा, बाकी सब जमीन के नीचे था, पूरा गांव बसा हुआ था। गांव को हटा करके जब खुदाई हुई 30 फीट नीचे गए तो वहाँ आपको मनौती स्तूपा हजारों की संख्या में मिली है, आनंदा का अस्तूपा भी मिला है, वहाँ तक टैंक भी मिला है जमीन के नीचे। वो 30 फीट नीचे जाने के बाद मिला है, यहाँ भी हम 30 फीट नीचे जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ गुप्ता पीरियड का महानगर मिलेगा। फिलहाल हम ऊपर नहीं चढ़ने देते हैं कि कहीं से भी आप चढ़ेंगे तो बुद्ध स्टैचू पे आपका पैर पड़ेगा, तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी वर्जित है। दूसरा, हमारा जो एक्सप्रेशन किए हैं तो एक ईंट उखड़ जाएगी आपके पैर से तो उसको हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे, एविडेंस हमारा समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे भी एविडेंस आप समाप्त कर रहे हैं एक ईंट उखड़ करके, और दूसरा बुद्ध के स्टैचू के ऊपर आपका पैर पड़ रहा है, तो दोनों तरह से हमें क्षति है। जब पूरा खुदाई हो जाएगी तो हम बजाते आपको सीढ़ी डेवलप करके। तो ये का स्ट्रक्चर है, 1998 में जब एक्सकेवेशन हुई थी तब की है क्या? 1998 में ये पूरा इस तरह से मिट्टी में रखा हुआ था, ऐसे जमीन के अंदर 1931 में ऐसा था, ये भूकंप के बाद टूटने के बाद। हाँ, 1934 में जो भूकंप आया था तब ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद ये 98 से हम इसको खुदाई करके निकालना शुरू किए। अच्छा, और तब अभी तक हम यहाँ तक खुदाई किए हैं, ये खुदाई करना बाकी है। मतलब ये जो ये एरिया है ये पूरा एरिया हम खुदाई करके रिपेयर कर दिया है। ये पीला वाला दिख रहा है ये खुदाई करके अभी रिपेयर करना बाकी है, और ये हरा वाला भी खुदाई ही करना बाकी है। तो यही जो बोल रहे हैं पूरा महानगर टाइप का आपको? नहीं, ये तो नहीं, नहीं, ये बाउंड्री के बाहर यहाँ के रेडियस में कुछ 30 किलोमीटर के रेडियस में वो अंदर में है। बाउंड्री के बाहर आपको अभी हम 2019 में खुदाई की, यहाँ से 1 किलोमीटर नॉर्थ में रोड के जस्ट किनारे जहाँ बुद्धा मोनास्ट्री मिला है, यहाँ बौद्धिस्ट मॉन्क लोग रहते हैं। यहाँ से कितनी दूर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर और ये लगभग 4 किलोमीटर के रेडियस में इधर गुप्ता पीठ का शहर दबा हुआ है। तो वो भी गाइस अभी आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जब हम उधर से घूमकर इधर इसके पीछे की तरफ आए यहाँ पे, तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि जो ऑफिशियल्स बता रहे थे मैप पे तो आपने देखा होगा, तो उसके आप सेम चीज़ आप यहाँ देख सकते हो, जो स्टैचू बहुत सारे स्टैचू यहाँ पे आपको हर एक पार्ट में ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो टाइम बीतता गया, बहुत सारे यहाँ पे इन्वेडर्स आए और नेचुरल डिजास्टर बहुत सारे, जिसके कारण यहाँ पे अभी स्टैचू को आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टैचू क्या हो गए हैं यहाँ पे टूट चुके हैं। तो मतलब कि उन्होंने बताया कि समय बीतेगा और जैसे जैसे इसकी खुदाई होगी फिर हम इसे अच्छे से रिपेयर कर देंगे। पर आप यहाँ पे देखो, सही से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो। फिर हम आगे की इसके पीछे की तरफ जाएंगे, जो उन्होंने बताया था पीछे वाला जो पार्ट है अभी तक वो यहाँ पे नहीं खुदाई हुई है उसकी। तो अभी हम लोग पीछे चलते हैं फिर वहाँ पे देखते हैं वो कौन सा पार्ट है। अगर आप यहाँ से अगर मेरे पीछे देखोगे तो उन्होंने बताया था इधर, अगर आप यहाँ अगर आप देखोगे तो देखो इसके पीछे बहुत सारा रेडियस है, जो उन्होंने बताया ये जो पूरा लैंड है ये इसके नीचे अभी खुदाई होनी बाकी है, क्योंकि जैसा वो बता रहे हैं कि अभी बहुत सारे चीज़ यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे जैसे खुदाई होगा
उस वजह से यहाँ पे बहुत सारे दूर तक लगभग 30 किलोमीटर के रेडियस में ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताया कि 30 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे नीचे बहुत कुछ अभी खुदाई नहीं हो पाई है, तो फ्यूचर में ये चीज़ होगी। तो गाइस अभी आपने पूरे चारों तरफ से ये व्यू देखा था, जैसे मैंने पीछे गया था पीछे की तरफ तो आपने देखा कि वहाँ पे अभी एक्सकेवेटेड नहीं है, अभी वहाँ पे खुदाई बाकी है। और यहाँ पे एक चीज़ जो ऑफिशियल्स बताए थे कि अभी हम लोगों ने मना कर रखा है इसके ऊपर चढ़ना, क्योंकि जो इसके अंदर जितने सारे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो लेयर, हर के नीचे यहाँ पे हर एक सर्कुलर, अगर हम सर्कमफ्रेंस की तरफ बढ़ते हैं और पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो आप वहाँ पे देख पाओगे जो हर एक में वहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति है, पर फिर भी लोग यहाँ पे चढ़ते हैं। तो यहाँ के ऑफिसर्स का कहना है कि अगर अभी हम उस पर चढ़ेंगे तो भगवान का अपमान होगा, तो बस इसके कारण उन्होंने मना कर रखा और बोला है जैसे जैसे इसकी खुदाई होगी, इनको सीढ़ी मिली है पीछे से, वहाँ से अगर वो देखा जाए तो उस जगह से एक सीढ़ी मिली है, तो उसे ये लोग उसी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर ये लोग अलाउ करेंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे अभी तक नहीं जुड़े हो तो गाइज आप मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।